अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में गोलापार में 21वीं अंतर्राष्ट्रीय वाहिनी पुलिस तैराकी एवं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का समापन कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने किया। इस अवसर पर कुमाऊं आयुक्त ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मेडल ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस तैराकी एवं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जनपदों की पुलिस के साथ ही SCRF, IRB, PSC के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में तरण ताल बनने से जहां खेलों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं हमारे खिलाड़ी देश प्रदेश स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन आज हल्द्वानी में संपन्न हुआ है, इसमें सभी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छे लेवल की स्विमिंग देखने को मिली, इसमें से दो इवेंट्स करे खुद यहाँ पे देखे, बड़ा अच्छा इंक्रेडिबल साइन है। और स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो प्रदेश में बहुत अच्छा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसमें लगातार मॉनिटरिंग करें, विशेषकर हल्द्वानी की जो फैसिलिटी है इसको लेके। और अभी डाइविंग बोर्ड का भी काम यहाँ पे चल रहा है, आने वाले वर्षों में सभी लोग इसका लाभ लेंगे और विशेषकर पुलिस में, क्योंकि बहुत अच्छा प्रतिभाग हो रहा है, नेशनल लेवल पे भी इससे प्लेयर्स निकले, ऐसे हमारी काम है।